नमस्कार, आज हम बात करेंगे टाइमिंग ऑफ इवेंट, यानी कि ग्रह अपना प्रभाव कब देते हैं। क्योंकि आप सभी लोग लगातार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि टाइमिंग ऑफ इवेंट, वर्षफल, इस तरह के टॉपिक्स पे बात कीजिए। दरअसल ये टॉपिक्स बेसिकली थोड़ा सा बाद में करने वाले थे, क्योंकि अभी जो हम चीज़ें आपको करा रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, अदर चीज़ें जो आपको कराई गई हैं, वो सब चीजें जब आपके टिप्स पे आ जाएंगी, तब यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ टू फाइंड द टाइमिंग ऑफ इवेंट। मगर आज आपको एक डेमो वर्जन टाइमिंग ऑफ इवेंट का बता देते हैं। इससे आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, दूसरा आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक मेरे को क्यों डिले किया जा रहा था, क्यों नहीं मैं करा रहा था। आप खुद ही कहेंगे इस टॉपिक को थोड़ा बाद में करा दीजिए, मगर आज जितना भी आप करेंगे उससे ये बात जरूर है कि आपका माइंड एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि जब प्लैनेट्स हमारी कुंडली में होते हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम लोगों को केवल एक बात पता होती है कि हमारी लग्न कुंडली में प्लैनेट कौन से किस हाउस में बैठा हुआ है या किसी कॉम्बिनेशन के साथ है, तो वो किस तरह के रिजल्ट देगा, हम लाइफ में कब तरक्की करेंगे, क्या करेंगे, तो हम कुछ बड़ा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मगर आपको बेसिकली प्रेडिक्शन क्या होती है, आपके चार्ट से कहाँ का इंपैक्ट जा रहा है, किस किस साल, किस किस ईयर में, किस किस मंथ में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, ये सारी कैलकुलेशन नहीं आती है। और ये मोस्ट ऑफ जो लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज है, वो भी इस चीज को बहुत क्लियरली नहीं बता पाते। आज के टॉपिक से आप इजीली इस बात की श्योरिटी है कि ये वीडियो खत्म होने पर जब आप ध्यान से इसको समझ लेंगे तो 100% आप समझ जाएंगे कि किस साल में कौन सी घटना घट सकती है। तो आपको विद एग्जाम्पल आज समझाएंगे कि जो हमारे प्लैनेट लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं वो किस साल अपना इम्पैक्ट देंगे, क्या पूरी लाइफ देंगे या पर्टिकुलर किसी ईयर में देंगे या महादशा में देंगे, तो वो सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट का सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो हमारे 9 प्लैनेट हैं, जैसे कि बृहस्पति, सूर्य, मंगल, राहु, शुक्र, बुध, ये जितने भी हमारे 9 प्लैनेट हैं, इनकी एक पर्टिकुलर एज बताई गई है। उस एज को सबसे पहले समझेंगे। बृहस्पति जुपिटर 16 साल, सन 22 साल, चंद्रमा 24, बुध 34, मार्स 28, शुक्र 25, सैटर्न 36, राहु 42, केतु 48। अब ये इनकी एज है। अब आपने करना क्या है कि इन सभी प्लैनेट्स की एज को 4 से डिवाइड कर देना है। कैसे कर देना है इस बात को समझेंगे। सबसे पहले क्या है, जुपिटर, जुपिटर की एज कितनी बताइए, 16। 16 को हमने डिवाइड करना है 4 से। अब 4 से डिवाइड करके क्या आएगा, 4 4 16। तो जो यहां पर आएगा उसको आपने स्टार्ट करना है। जैसे 4 आया तो 4 से स्टार्ट कर दिया और जो आया उतना उसमें ऐड करते चले गए। जैसे 4 से स्टार्ट किया, 4 में 4 ऐड किया, कितना हो गया 8। 8 में 4 ऐड किया 12, 12 में 4 ऐड किया 16, 16 में 4 ऐड किया 24, 24 में, यानी कि 4 का टेबल आप करते चले जाएंगे। 40 में जब खत्म हो जाएगा उसके बाद 4 ऐड करते जाएंगे। तो जब तक आप चाहें इसकी एक एक्टिवेशन एज निकाल लेंगे। इस एज में जुपिटर बृहस्पति जो कुंडली का सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, बार बार मैं जुपिटर पर काफी तरस करता हूं, क्योंकि हमारी कुंडली के जो 9 प्लैनेट है उसमें सर्वाधिक डिपार्टमेंट जुपिटर के पास है। कौन कौन से हैं रिपीट कर देते हैं, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 9th हाउस में 9 नंबर की राशि और 12th हाउस में 12 नंबर की राशि, दोनों राशि किसकी है, जुपिटर की। तो 9 और 12, 12 क्या है हमारा एक्सपेंस का और काफी चीजें देखी जाती है, 9th हाउस क्या है हमारी किस्मत का।
तो किस्मत का जो भाव है उसका मेन जो कारक प्लैनेट है वो जुपिटर है। तो हम अपनी कुंडली के अंदर कई बार क्या देखते हैं कि यहाँ पर राशि कौन सी लिखी है और उसको भाग्य भाव का स्वामी समझते हैं, मगर उसके साथ साथ जब तक आप जुपिटर को कंसिडर नहीं करेंगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा। तो जुपिटर के पास क्योंकि डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा है और जुपिटर के पास डिपार्टमेंट ज्यादा होने की वजह से उसके किसी न किसी घर में कोई ना कोई एनिमी प्लैनेट उसका आके बैठ जाता है, तो जुपिटर को कमजोर कर देता है। तो ये हमने जुपिटर के टॉपिक बात करी थी। तो यहाँ पर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जो हमने निकाला है टाइम, इसमें जुपिटर कुंडली में जहां भी प्लेस्ड है सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि वो कहाँ प्लेस्ड है। अब सपोज कीजिए जुपिटर आपका 4th हाउस में प्लेस्ड है, दिस इज द एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर। क्यों? काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 4 नंबर की राशि आती है और यहाँ पर जुपिटर को उच्च का स्थान दिया गया है, तो यहाँ पर बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। अब जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना चार्ट निकालते हैं तब अगर बृहस्पति बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 9 नंबर की राशि में है या अपने मित्र ग्रह की राशि में है या कर्क राशि में ही है, यानी कि उस जातक की कुंडली मेष लग्न की ही है और ऐसे में जुपिटर बैठा है तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोजीशन में आ जाएगा। अब कितना पावरफुल है इसको देखने के लिए आपको इसके 2, 5, 9, 11, 12 इन हाउसेस को चेक करना पड़ेगा, स्पेशली 2, 5, 9, 12, क्योंकि 11th हाउस को इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देते, 11th हाउस का कारक जरूर है जुपिटर मगर वहां पर कंट्रोल सेटन का रहता है। तो 2, 5, 9, 12 इन हाउसेज में अगर इसके एनिमी प्लैनेट बुध शुक्र राहु इनमें से कोई बैठा हुआ है तो बृहस्पति को ये कमजोर कर देंगे। तो बृहस्पति जो यहां पर उच्च की स्थिति में था वो अपना फल नहीं दे पाएगा और उस पर अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया है, अब डिपेंड ये करता है कि उसके चारों घरों में अगर चारों ही घरों में कोई ना कोई उसका एनिमी प्लैनेट बैठा है तो बहुत ज्यादा डैमेज, चारों में से किसी एक में बैठा है तो कम डैमेज, चारों में से किसी एक में उसका एनिमी प्लैनेट बैठा है बाकी अदर के अंदर उसके मित्र ग्रह बैठे हैं सूर्य चंद्र और मंगल इनमें से कोई ना कोई बैठा हुआ है, तो ऐसे में ये केतु भी बैठा है तो केतु भी क्योंकि जुपिटर को सपोर्ट करता है तो ऐसे में जुपिटर को सपोर्ट मिल जाएगी तो अब वो उतना खराब नहीं रहा। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। तो जब हमने जुपिटर का टॉपिक किया था तब वहां पर जुपिटर के कुंडली के 12 हाउसेस ये प्ले, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि प्ले लिस्ट में जाकर कुंडली के जो हमारे 9 के 9 प्लेनेट है सबके कुंडली के अलग अलग हाउसेस के ऊपर सेपरेट सेपरेट वीडियो है, उसमें काफी डिटेल में बताया गया है कि कोई भी प्लेनेट कुंडली के किसी भी हाउस में बैठकर शुभ और अशुभ दोनों तरह के रिजल्ट दे सकता है। तो हमारे जो कंफ्यूजन रहते हैं वो आपको सारे दूर हो जाएंगे कि हम लोग सोचते रहते हैं कि मेरी कुंडली में तो शशि योग बना हुआ है, आपका मालवीय योग बना हुआ है, गज केसरी योग बना हुआ है, बचपन से देखते देखते खुश होते रहते हैं, आगे जाके जीवन में सब कुछ निबट जाता है, कुछ होता नहीं है, फिर परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली आपको जितने भी योगा बताए गए हैं सबके ऊपर वीडियो बना रखा है, वहां पे जाके आप इजिली समझ सकते हैं क्योंकि हर हाउस में कोई से भी योग अगर होगा तो वो कब शुभ परिणाम देगा कब अशुभ परिणाम देगा और कैसे उसके शुभ परिणाम लेने हैं सारी बात डिटेल में बताई है। तो आपने इजीली समझना है कि आपका जुपिटर कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है, उस हाउस के पर्टिकुलर वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए 6th हाउस में, 6th हाउस में जुपिटर अच्छा नहीं माना गया है मगर अगर अच्छा हो गया तो जो चाहो वो मिलेगा, जीवन में सारी इच्छाओं की पूर्ति करा देगा। तो उसको कैसे ठीक रखना है, तो आपने समझना कि आपका जुपिटर कुंडली में किस पोजीशन में है, वहां उसके अशुभ कंडीशन में क्या रिजल्ट बताए गए हैं और शुभ में क्या रिजल्ट बताए गए हैं। अब सपोज कीजिए आपका जुपिटर जहां भी कहीं बैठा है शुभ कंडीशन में है अशुभ में है, तो जो उसका रिजल्ट है वो आपको इन ईयर्स में देखने को मिलेंगे जो हमने निकाले हैं 4, 8, 12, 16 हर साल, यानी कि इन इन सालों में वो रिजल्ट आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। अब पर्टिकुलर किस महीने में देखने को मिलेंगे उस पर आज बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर वो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ना ये समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। तो यहां पर सेकंड की बात करते हैं सन। अब सन की जो एक्टिवेशन एज है वो क्या है, 22 साल।
अब 22 साल को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5.5, 5.5, उसमें 5.5 में 5 ऐड कर, 5.5 ऐड करेंगे, ध्यान समझिएगा, यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, 22 डिवाइड बाय 4, 5.5 ये आ जाएगा। अभी जो 5.5 आया है इससे हम स्टार्ट करेंगे 5.5, इस 5.5 में 5.5 ऐड करेंगे 11, 11 में 5.5 ऐड करेंगे 16.5, 16.5 में 5.5 ऐड करेंगे 22, 22 में 5.5 ऐड करेंगे 27.5। इस तरह से आप आगे भी ऐड करते चले जाएंगे तो इसकी आपको एजेस मिल जाएंगी कि इन एजेस में आपका जो सन है वो आपकी कुंडली में जैसा भी बैठा है, अच्छा या खराब, अपने उस तरह के इफेक्ट देगा। अभी आपको एग्जाम्पल भी देंगे किसी एक प्लैनेट का, तो इसी तरह मून की। अब मून की क्या है, 24, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 4 6 जा 24, 6। अब 6 में 6 ऐड करेंगे 12, तो यहां पर 6 का टेबल, 6 में 6 ऐड करेंगे तो 12, उसके बाद 6 का टेबल लिखते चले जाइए, 6 12 18 24, इस तरह आपका आगे चलता रहेगा। मरकरी की बात करें तो मरकरी की आएगी 34। अब 34 एज को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8.5। अब 8.5 में 8.5 ऐड करेंगे 17, 17 में 8.5 ऐड करेंगे 25.5, 25.5 में 5 ऐड करेंगे 34, 34 में 5.5 ऐड करेंगे 42.5, 42.5 में 5 ऐड 8.5 ऐड करेंगे तो 51। तो इस तरह से 8.5 से स्टार्ट करके 8.5 ऐड करते चले जाएंगे। तो अब यहां पर एक बात समझिएगा, जिन प्लैनेट्स में आपका कुछ पर्टिकुलर डेट्स में जो पॉइंट में आया है, जैसे यहां पर 5.5 आया, तो 5.5 को आप 6 मान के चलेंगे, यानी कि जब 6 ईयर रनिंग होगा, क्योंकि 5.5 कुछ होगा नहीं, 5 के बाद जब 6 ईयर रनिंग होगा तब आपको ये सन का इफेक्ट देखने को मिलेगा कुंडली में जहां जैसा बैठा है। अब सन क्या है, पिता का कारक भी है, तो यहां पर वो बात की बात करेंगे कि जब प्लैनेट बैठे होंगे तो उनके इफेक्ट कैसे आएंगे, वो पर्टिकुलर मैं आपको अलग अलग हाउसेस के हिसाब से दोबारा कराऊंगा और शॉर्ट में कराऊंगा और एग्जैक्टली आप बड़ी इजिली समझ पाएंगे। मगर फिलहाल आप जहां पॉइंट आ रहा है उसमें आप राउंड फिगर में ले लेंगे, तो 16.5 को 17, 27.5 को 28, इसी तरह मरकरी 8.5 को 9, 25.5 को 26, 42.5 को 43, 59.5 को 60। अब बात करते हैं मार्स की, मार्स की एज है 28, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7, 7 का आप टेबल लिख देंगे 7 सेवन, उसके बाद 14, 21, 28, 35, तो 7 का टेबल पूरा लिख देंगे। वीनस की बात करेंगे तो वीनस की एज है एक्टिवेशन आपका 25, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6.25, 6.25 में 6.25 ऐड करेंगे 12.5, 12.5 में 6.5 ऐड करेंगे, यहां मैं लिखना भूल गया, 12.5 में 6.5 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 12.5, 6.25, 18.75, 18.75 में 6.25 ऐड करेंगे तभी 25। तो यहां पर एक फिगर हमने छोड़ दी थी 18.75, यानी कि 19 ईयर फिट। इसी तरह 6.25 ऐड करते चले जाइए तो यहां पर आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे। सैटर्न की बात करते हैं, सैटर्न की एज है 36, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 का टेबल लिख दीजिएगा पूरा, 9, 9 टू 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72। राहु की है 42, 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10.5, 10.5 में 10.5 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 21, 21 में 10.5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा
31.5, उसमें 31.5 में 10.5 ऐड करेंगे क्या आएगा 42। इसी तरह आप बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहां पर अगर कोई लिखने में मिस्टेक हो गई हो तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया और आप ये कैलकुलेशन करने के बाद 9 के 9 प्लेनेट की कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ताकि मुझे ये बात समझ में आ जाए कि जितनी बात आपको आज बताई गई है, क्योंकि आज सिर्फ डेमो है, ये डेमो क्लास है, ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी शॉर्ट में आपको एक ओवरव्यू दिया है, जैसे कोई मूवी आती है उसका ट्रेलर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी केवल मैंने 4 से डिवाइड करके बताया है। अभी आपको पर्टिकुलर मंथक के बारे में कैसे निकालेंगे, तो वो सारे के सारा मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स में आप उलझ ना जाएं। इसलिए जितना करा दिया है उतना अगर समझ में आ गया, कमेंट सेक्शन के अंदर आप में जो जो लिख के बताएगा, आगे उन्हीं लोगों के नेक्स्ट कमेंट जो होंगे कि पर्टिकुलर किस टॉपिक पे जाना है, कंसिडर किए जाएंगे। राहु, राहु की निकाली हमने केतु, केतु की क्या है 48, 48 की आपका 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12, 12 की 24, 36, 48, 60, 72, 84। तो इस तरह हम सिंगल प्लैनेट की सभी की एक एज निकाल लेंगे कि इन इन एज में ये प्लैनेट कुंडली में जहां जैसे बैठे हैं, जिस तरह का फल देने के लिए बैठे हैं, वो फल उस पर्टिकुलर ईयर में देखने को मिलेंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट इतना वाइड है कि इस कॉन्सेप्ट पे अगर 1 घंटे की वीडियो बनाई जाए तो कम से कम 10 वीडियो में जाकर ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। मगर इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने टिप्स पर ले लिया तो आप 1 मिनट के अंदर चार्ट देखते साथ ही सामने वाले की एज पूछकर आपकी क्या एज चल रही है, अच्छा 36 चल रही है, 36 में आप चेक करेंगे कौन कौन से प्लैनेट एक्टिवेट हो गए। तो यहां पे आप चेक करेंगे 36 में जुपिटर तो नहीं है, नहीं है, जुपिटर आएगा क्योंकि 32 के बाद 4 ऐड करेंगे तो 36 आएगा, जुपिटर भी आ गया। उसके बाद आप देखेंगे मून भी आ गया 36 में, मरकरी नहीं है, मार्स भी नहीं है, वीनस भी नहीं है, सैटर्न आ गया, राहु नहीं है, केतु आ गया। तो 36 की एज में केतु, मून, जुपिटर और आपका और कौन सा देखा था, जुपिटर, मून, सैटर्न और केतु, जुपिटर, मून, सैटर्न और केतु, 4 प्लैनेट 36 की एज में अपना इफेक्ट देंगे। अब वो 4 के 4 कुंडली में जहां जैसे बैठे हैं उनके रिजल्ट आप चेक करके रख लीजिएगा। इसके ऊपर वीडियो जो हमने बता रखी है, तो जो लोग पहले वीडियोस देख चुके हैं उन्होंने अपने अपने प्लैनेट्स चेक कर चुके होंगे कि कैसे इनको चेक करना है। तो यहां पर अभी आपको एक एग्जांपल भी दे देते हैं कि किस तरह के रिजल्ट आएंगे और कैसे निकालना है, तो जिससे आप थोड़ा और इजीली समझ जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको फिर कहा कि ये टॉपिक अभी लेने का नहीं था, मगर आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने इस टॉपिक को लिया। मगर ये टॉपिक मैं कराऊंगा आपको, पूरा डिटेल में कराऊंगा, मगर अभी कुछ चीजें और कराने के बाद, इससे पहले मैं आपको वर्षफल भी कराना चाह रहा हूं कि वर्षफल आपको करा दिया जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वर्षफल अपना रोल प्ले करता है। क्योंकि क्यों करता है, क्योंकि जो रेमेडी की जाएगी वो अकॉर्डिंग टू वर्षफल की जाएगी। अब एक्टिवेशन एज है, ठीक है, आपको पता लग गया कि अच्छा 36 साल के अंदर ये 4 प्लैनेट मेरे एक्टिवेट हैं और ये रिजल्ट आ रहे हैं, और आपने देखे लग्न कुंडली के हिसाब से ये रिजल्ट बताए गए हैं ये वीडियोस के हिसाब से, और ये रिजल्ट आपको उस पर्टिकुलर एज में देखने को मिल रहे हैं। तो अब करा क्या जाए, क्योंकि फाइनली ठीक है पॉजिटिव है, एक्सीलेंट, तो पॉजिटिव है तो उनके ज्यादा रिजल्ट कैसे लिए जाए। कि कोई प्लैनेट आपका दोस्त है, आपके दोस्त आपके पास आए हुए हैं, एक मंत्री है, एक आपका IAS अधिकारी है, तो आपने उससे लाभ कैसे लेना है। कोई 2 आपके घर में आ गए, वो देख लिया आपके शत्रु हैं, जीवन भर आपको नुकसान करते आए हैं,
अब इनसे बचा कैसे जाए, इनके प्रभाव को खत्म कैसे किया जाए, वो डिपेंड करता है वर्षफल पे। तो रेमेडी होगी अकॉर्डिंग टू वर्षफल, तो इसलिए वर्षफल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, सारी कैलकुलेशन चेक कीजिएगा जो मैंने की है, उसमें कोई गलती तो नहीं हुई, हो गई हो तो ठीक कर लीजिएगा, ठीक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो पता लगेगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। और अगर कोई गलती हो भी गई होगी तो और दूसरे लोग जो हैं वो आपके कमेंट्स के थ्रू उन चीजों को समझ पाएंगे। अब एक एग्जांपल देके समझते हैं कि कैसे हम इसके रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। अब तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट के अंदर ये लग्न चार्ट आप समझ लीजिए, सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, मरकरी सेकेंड हाउस में है, मून फोर्थ हाउस में है, जुपिटर एंड राहु फिफ्थ हाउस में है, सैटर्न सॉरी सन सेवेंथ हाउस, मार्स नाइन्थ हाउस, केतु इलेवेंथ हाउस और विनस ट्वेल्थ हाउस। अब यहां पर इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, इस पे बहुत डिटेल में जब हम बात करेंगे तो इवेंट काफी ज्यादा डिटेल में हम निकाल पाएंगे। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति की आयु, जैसे आपको भी हमने वो चार्ट बताया था, तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग 36 ईयर चल रहा है, ये 27 ईयर चल रहा है। अब आप एक चीज देखिएगा कि कोई भी साल चल रहा है तो उस पर्टिकुलर साल के अंदर यहाँ पे जो चार्ट आपने बनाया है तो उस पे कौन कौन से प्लैनेट्स के रिजल्ट एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहां पर सपोज कीजिए किसी का 35 कंप्लीट हुए, 36 स्टार्ट हुआ, तो 36 में हमने कौन कौन से प्लैनेट निकाले थे, एक जुपिटर निकाला था, एक सैटर्न, एक मून और एक केतु, इन चार को हमने निकाला था, ये चार प्लैनेट 36 में एक्टिवेट रहेंगे। अब उस साल आपको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो जुपिटर, जुपिटर को आप चेक करेंगे कि जुपिटर आपका किस कुंडली में कहां पे, लग्न कुंडली में फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस में राहु के साथ है, तो जुपिटर यहां पर जब राहु के साथ होता है तो जुपिटर का रिजल्ट कमजोर पड़ जाता है, राहु कुंडली में अब चुप हो जाता है, क्योंकि राहु शरारती ग्रह है, बृहस्पति क्या है, गुरुदेव है, तो गुरुदेव के पास बैठकर गुरुदेव की एनर्जी उसको चुप कराने में लग गई। गुरुदेव बृहस्पति जो अपना फुल फ्लैश रिजल्ट दे सकते थे, यानी कि अपना वो जो कार्य करने के लिए बैठे हुए थे वहां पर, अब उनका आधा ध्यान उस शरारती बच्चे को कंट्रोल करने में लग गया। तो बृहस्पति देव यहां पर बैठकर राहु के साथ अपना 50% रिजल्ट खो देते हैं। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति को हमने ये चेक करना है कि 2, 5, 9, 12 इन हाउसेस में उसके एनिमी प्लैनेट तो नहीं है। तो सेकंड हाउस में क्या है, मरकरी है, ये बृहस्पति को डैमेज करेगा। शुक्र है ट्वेल्थ हाउस में, ये करेगा। मार्स नाइन्थ हाउस में है, ये आपका बृहस्पति को सपोर्ट करेगा। तो यहां पर कुल मिला के देखा जाए तो 25, 25, 25 यानी कि 75% वो डैमेज हो रहे थे। बृहस्पति का खुद का प्लेसमेंट अच्छा था, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बृहस्पति जो हैं वो अपना ज्यादा कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे, नेगेटिव रिजल्ट ही मान के चलेंगे। बृहस्पति देव फिफ्थ हाउस में बैठेंगे तो यहां पर संतान, शिक्षा, साथ ही बृहस्पति देव पांचवें घर में बैठकर आपके पेट संबंधित रोग देंगे। तो उस साल ऐसे जातक को जुपिटर रिजल्ट क्या आएगा, संतान के लेके चिंता की स्थिति, दूसरा पेट संबंधित कोई ना कोई समस्या जातक को उस साल डेफिनेटली परेशान करेगी। सैटर्न की बात करते हैं, सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस में जब सैटर्न आता है तो नॉर्मली सैटर्न वहां पर 90% खराब रिजल्ट ही देता है, 10% केसेस में अच्छा रिजल्ट भी देता है। वो सैटर्न फर्स्ट हाउस के टॉपिक में हमने बताया था कि कैसे अलग अलग पोजीशन में वो ये पोजीशन होने पर वो अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। अब सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में होता है तो नॉर्मली अपयश, मान हानि, मेंटल स्ट्रेस, हेल्थ इश्यू, इस तरह की समस्या देता है, तो वो समस्या आपको भी देखने को मिलेंगी। मून मून फोर्थ हाउस में आ रहा है, अब मून फोर्थ हाउस में है आप देखेंगे एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। देखिए जो प्लैनेट अपने कारक भाव में बैठ गया तो वो कितना भी खराब क्यों ना हो,
फिर भी अपना शुभत्व नहीं खोएगा, क्योंकि कारक भाव है, जड़ में बैठ गया है अपने। तो जो कारक भाव में बैठने के बाद वो कितना भी कोई दूसरे प्लैनेट को खराब कर रहा हो, मगर अपने अच्छे रिजल्ट फिर भी देगा। मगर अब केतु 11th हाउस, ये आपको मैंने कुछ स्पेशल रूल कराए थे, उसे बताया था कि केतु 11th हाउस में होगा तो मून को डैमेज करेगा। मून 4th हाउस में है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, मगर फिर भी केतु की वजह से यहाँ पर ये कमजोर हो रहा है। अब ऐसे में चंद्रमा क्या है, पैसे का कारक, तो पैसा तो आएगा मगर मेंटल स्ट्रेस जातक के पास काफी रहेगा। केतु, केतु 11th हाउस में है, केतु 11th हाउस में है, और केतु 11th हाउस में रिजल्ट कब देगा, क्योंकि 11th हाउस में केतु बैठकर शनि कुंडली में जैसा होगा वैसे रिजल्ट देगा। अब शनि कहाँ है, कुंडली में फर्स्ट हाउस में, और यहां पर अगर ये खराब हो रहा है तो केतु का रिजल्ट भी खराब हो जाएगा। केतु का रिजल्ट खराब आएगा तो उस साल जातक को कमर दर्द, पैरों में तकलीफ का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। केतु 11th हाउस में आएगा तो उस साल जातक को बहुत ज्यादा चिंताएं रहेंगी, क्योंकि जिसके केतु 11th हाउस में होता है उसको भविष्य की चिंता जो उससे ज्यादा लगी रहती है, और ऐसा जातक अपनी किस्मत को लेकर हमेशा दुखी रहता है। तो वो सारे के सारे जो सिम्टम्स वहां बताए गए हैं केतु 11th हाउस के, वो आपको इस पर्टिकुलर में उस व्यक्ति के साथ घटते दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक जुपिटर यहाँ बैठा है, ये जो प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं वो जहां भी बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कितनी प्रेडिक्शन दे सकते हैं अभी आप उसको समझ नहीं सकते। केवल एक जुपिटर, क्योंकि देखो यहाँ पर जुपिटर का रिजल्ट अभी खाली जुपिटर के बताए हैं, जुपिटर के साथ राहु भी है। जब टू प्लैनेट की हम केस निकालेंगे कि दो ग्रह की युति है या तीन ग्रह की युति है, तब उनके जो कंबाइंड रिजल्ट है वो कब आएंगे, तो उसके कैलकुलेशन का तरीका अलग है। सिंगल प्लैनेट से भी अभी हम और डीप भी जाके कैलकुलेशन कर सकते हैं, मगर आज बात नहीं करेंगे। तो यहां पर जुपिटर है या सैटर्न है, सैटर्न मान लें, यहां पर आपको एक और अच्छा रूल देते, सपोज कि सैटर्न यहां पर 7 नंबर के साइन में है, ठीक है। अब 7 नंबर के साइन में है, मगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहां 1 नंबर की राशि आती है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर की राशि आती है, मगर सैटर्न यहां पर 7 नंबर के साइन में है, तो आपको सैटर्न शनि फर्स्ट हाउस और शनि 7th हाउस दोनों के जो रिजल्ट बताए गए हैं दोनों देखने को मिलेंगे। यानी कि शनि अपने नीच के फल भी देगा और उच्च के फल भी देगा, तो दोनों रिजल्ट आप चेक कीजिएगा। इसी तरह ये रूल सभी प्लैनेट्स पर अप्लाई होगा, साथ ही और किस राशि में है तो उससे आप ये पता लगा पाएंगे कि इस साल आप किस तरह की यात्रा करेंगे और क्या क्या इवेंट घटेंगे। सपोज कीजिए 10th हाउस में कोई प्लैनेट है, वो किसी साल में एक्टिवेट हो रहा है, तो उस साल में उस प्लैनेट से रिलेटेड, सपोज कीजिए मरकरी है, मरकरी 10th हाउस में बैठा हुआ है, एक्टिवेशन एज उसकी आ रही है, तो मरकरी कैरियर से रिलेटेड। अब मरकरी क्या है, कंसल्टेशन है, तो ऐसा जातक कोई बोलने वाले काम के थ्रू पैसा कमाएगा, ये कमाना शुरू करेगा। ये भी हो सकता है कि मरकरी अगर 10th हाउस में है और वो पहले से ही पैसा कमा रहा है, तो कोई ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो पैसा कमाना स्टार्ट करेगा, तो यहां पर उसकी जो कारक चीजें हैं, बहन बेटी बुआ हैं, तो उनके कैरियर से रिलेटेड कोई इवेंट घटित होगा। हो सकता है कि बुआ कुछ स्टार्ट करे, हो सकता है बहन कोई स्टार्ट करे, हो सकता है बेटी कुछ स्टार्ट करे, उसका कैरियर कुछ स्टार्टिंग हो। तो इस तरह से आपने समझना है ये जो चार्ट है, घटना किस कारक ग्रह से यानी किस चीजों से संबंधित होगी, इसको किस तरह से कैलकुलेट करें, इसकी बात भी करेंगे। तो आज केवल इतनी ही बात करेंगे, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे ये एहसास हो कि हाँ मैंने आज जो ये वीडियो बनाया आपके लिए तो ये ठीक किया या नहीं किया। और आगे अभी मेरी एडवाइस ये है कि हम इसको थोड़ा सा बाद में करें, पहले कुछ और टॉपिक ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझनी है।
मगर फिर भी आपकी जो राय है वो अवश्य मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।